डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर एट, एक्सरसाइज 50। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, यहाँ पे एड दिया हुआ है, लेकिन इसी एक्सरसाइज में आपको एड, सबट्रैक्ट और मल्टीप्लाई आगे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको पढ़कर समझते हैं। करुणा बॉट ए साड़ी फॉर 370.75 रुपीज़ एंड स्पेंड रुपीज़ 39.85 ऑन ऑटो रिक्शा। मतलब करुणा जो है एक साड़ी खरीदती है इतना रुपया में, 370.75 रुपीज़ में, और यहाँ पे 39.85 उसको ऑटो रिक्शा लग जाता है, ऑटो रिक्शा में इतना खर्च कर देती है। हाउ मच टोटल मनी डिड सी स्पेंड, तो फिर वो टोटल पैसा कितना खर्च करती है। राइट द सॉल्यूशन सेंटेंस, मतलब सॉल्यूशन सेंटेंस स्टेटमेंट लिखते हुए जो है इसको सॉल्व करना है, जिससे कि बच्चे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है एड है तो डायरेक्ट एड कर देते हैं, तो इसको सॉल्यूशन सेंटेंस लिखना है, क्योंकि फाइव क्लास से जो है आदत थोड़ा डालना पड़ता है कि जो है बनाने के लिए सॉल्यूशन सेंटेंस, मतलब स्टेटमेंट लिखते हुए उसको बनाना है। तो इसी तरह से मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और सबसे पहले स्टेटमेंट देते हैं कि सी सारीज, सी बाउट, सी बाउट वो खरीदती है ए सारी फोर कितना रुपये में, रुपीज 370.75, ठीक है, इतने रुपये में वो एक साड़ी खरीदती है। उसके बाद स्पेंट ऑन ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा स्पेंट ऑन ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा काफ़ी लॉन्ग स्पेलिंग आएगा तो इसको हम शॉर्ट छोड़ देते हैं। यहाँ पे ऑटो रिक्शा में वो कितना खर्च कर देती है, रुपीज 39.85। अब इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इससे हमारा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करते हैं तो 5 5 10 हो गया, 0 लिख देते हैं, 1 बच गया, 8 यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ 9 और 1 10 हो गया, तो 0, अब यहाँ 1 बच गया, फिर यहाँ 10 और 1 11 हो गया, तो यहाँ पे 1, फिर 1 बच गया, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, मतलब इतना रुपीज़ हो जाएगा, रुपीज़ 410.60 और ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रितिक बॉट ए पेन फॉर 80.90 रुपीज़। रितिक एक पेन को खरीदने के लिए इतना रुपया लगाता है, 80 रुपये 90 पैसा, ए बुक फॉर रुपीज़ 139.75, और एक किताब खरीदने के लिए वह 139.75 रुपया लगाता है, एंड स्पेंड रुपीज़ 65.85 रुपीज़। तो वो लंच के लिए कितना खर्च कर देता है, 65 रुपया 85 पैसा। व्हाट डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो फिर टोटल वो कितना खर्च करता है, ऐड ही तो करना है, तो काफ़ी इजी है। अब यहाँ पे ऐड समाप्त होने वाला है तो इसको हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो कहाँ कहाँ स्पेंड करता है उसको लिख लेते हैं, स्पेंड फॉर ए पेन, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं स्पेंड फॉर ए पेन इक्वल टू कितने रुपये खर्च करता है, पेन के लिए 80.90 पैसे। उसके बाद स्पेंड फॉर ए बुक, ठीक है, ए बुक किताब के लिए कितना खर्च करता है, रुपीज़ 139.75 इतना हो गया, और स्पेंड फॉर लंच, लंच पे वो कितना खर्च करता है, लंच इक्वल टू रुपीज 65.85 रुपीज 65.85। तो यहाँ पे बिल्कुल सीरियली लिख दिए हैं ताकि यहाँ पे ही ऐड कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐड कर लेना है यहाँ पे, यहाँ कितना हो गया 5 5 10 हो गया, तो 0 1 बच गया, 1 लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 हो गया, 9 1 10 10 और 8 कितना हो गया 18 18, और यहाँ से 2 ले लेते हैं तो 20 हो गया, और यहाँ 5 बच गया तो 5 20 और 5 25 हो गया, तो यहाँ पे 5 पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ 2 बच गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2
तो 9 और 5 14 15 16 सिक्स हो गया, यहाँ पे बच गया 1। अब यहाँ पे ले लेते हैं 8 1 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, 15 16 17 18 18, तो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, 1 बच गया और ये 1 2 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, ₹286.50। तो इतना जो है इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया।